हाय दोस्तों स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मिक्स जी के ट्रिक्स दोस्तों आज इस वीडियो में मैथ रीजनिंग से जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा यदि आप कोई गवर्नमेंट या कंपटीशन की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं देखिये सवाल नंबर वन यदि आपको इस तरह की क्वेश्चन पूछा जाए ना तो आप दो से कम से कम तीन बार इसको आंसर को क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए उसके बाद आंसर को फाइंड करना शुरू कीजिए क्योंकि आंसर यदि क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते तो आंसर को आप ठीक से फाइंड नहीं कर पाएंगे तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या करें यदि आज रविवार है तो आज के बाद देखिए उनसठ है ना उनसठवा दिन में कौन सा दिन होगा उनसठवा दिन में कौन सा दिन पड़ेगा ये मुझे पूछ रहा है तो हम ये कैसे निकालेंगे इसके लिए एक देखिए ट्रिक होता है यदि उनसठवा दिन पड़ रहे पूछ रहा है कोई महीना नहीं पूछ रहा है तो उनसठवा दिन हम क्या करेंगे यहाँ उनसठ दिन लिख के एक हफ्ता में कितना दिन होता है सात दिन होता है ना तो हम सात से भागा देंगे सात से भागा देने के बाद क्या होता है ये हमारा आंसर निकल जाता है तो सात से अब देखिए कि भाग खिलाइए कितना में होता है यदि सात हटी कितना होता है छप्पन तो यहाँ क्या बच गया ये पाँच पाँच कट गया तो यहाँ है छप्पन है ना तो नौ में छ गया तो तीन बच गया ना अब तीन तो कटेगा नहीं तो एक काम करते हैं रविवार में तीन जोड़ तो दिन जोड़ दीजिए यदि रविवार में एक दिन जोड़ दिया तो कितना आ गया एक दिन जोड़े तो क्या सोमवार हो गया सोमवार में एक दिन जोड़े तो कितना हो गया मंगलवार मंगलवार में एक दिन जोड़ दिया तो कितना हो गया बुधवार अब देखिए बुधवार कौन सी ऑप्शन में है बुधवार देखिए डी ऑप्शन में है तो कौन सी ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे देखिए सवाल नंबर टू ये भी वेरी इंटरेस्टिंग है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब इस जगह पे क्या कौन से अंक भराए भराएगा ए का देखिए फोर्टी सिक्स दिया है बी का कितना फिफ्टी दिया है सी का कितना दिया है नाइन दिया है डी का कितना दिया टेन दिया तो मतलब कौन सी आंसर मतलब सही होगा इसमें से ये पूछ रहा है तो हम कैसे फाइंड करेंगे पहले ये पता लगाना दो में क्या जोड़ा जो सात आया सात में क्या जोड़ दिया जो सोलह आया सोलह में क्या जोड़ दिया जो उनतीस आया उनतीस में क्या जोड़ेंगे जो हमारा आंसर आएगा तो यहाँ पे आपको पहले अंतर देखना है यदि दो में कितना जोड़ें जो सात आएगा पाँच हम जोड़ेंगे तो सात आ जाएगा ना उसके बाद सात में हम कितना जोड़ें जो सोलह आएगा यदि हम उसमें नौ जोड़ते हैं तो सोलह आ जाएगा ना उसके बाद सोलह में कितना जोड़ें जो उनतीस आएगा यदि हम तेरह जोड़ते हैं कितना आएगा उनतीस आ जाएगा अब यहाँ नीचे देखना है कि कितना का अंतर है नीचे जो है कितना कितना का अंतर आ रहा है यदि पाँच में कितना जोड़ें जो नौ आएगा चार का अंतर दिख रहा है ना चार जोड़ेंगे नौ आएगा उसको देखिए नौ में कितना जोड़ें जो तेरह आएगा चार यहाँ दोनों में चार चार दिख रहा है ना तो हम अगला शब्द में क्या होगा तेरह में यदि कितना चार प्लस करेंगे कितना हो गया सत्रह हो गया अब देखिए सत्रह आया अब सत्रह में हम क्या करेंगे उनतीस को हम जोड़ेंगे यहाँ भी चार का डिफरेंट आ रहा है ना तो सत्रह को हम उन्तीस में क्या करेंगे जोड़ेंगे सत्रह जैसे 29 प्लस सत्रह कितना हो गया टोटल फोर्टी सिक्स हो जाएगा कितना होगा फोर्टी सिक्स होगा तो, देखिए उनतीस प्लस सत्रह कितना हो गया फोर्टी सिक्स हुआ ना छियालीस तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा छियालीस भरा जाएगा आपको यहाँ यहां पता करना है कि कौन सी ऑप्शन में छियालीस है देखिए यहाँ तो यही ऑप्शन में छियालीस दिया हुआ तो यही कौन आंसर क्या होगा ये आंसर सही हो जाएगा देखिए सवाल नंबर थ्री दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा अगला संख्या यहाँ पूछ रहा है देखिए हर चीज मतलब हर क्वेश्चन में कितना पूछना पूछता है एक ही फाइंड करना लेकिन यहाँ पे कितना दो फाइंड करना है दो क्वेश्चन मार्क है ना तो दो अंक मुझे फाइंड करना है कि क्या आएगा तो कैसे बनाएंगे चलिए बताते हैं दोस्तों एक चीज़ बता दो कि इस तरह की सवाल इस तरह की सवाल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एक दो एक दो क्वेश्चन पूछा जाएगा हर एग्ज़ाम में तो क्या करना आपको इस तरह के एग्ज़ाम पहले से प्रैक्टिस रखना ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो यदि आपको इस तरह की वीडियो देखना यदि चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्ले में जाकर देख सकते हैं चलिए चलिए बताते हैं कि इस जगह पर क्या भराएगा यहाँ पहले ए फाइंड करना है यदि हम एक कम करते हैं दो के बाद एक अंक छोड़ के एक अंक ए कर रहे हैं दो के बाद कितना चार है चार के बाद एक अंक छोड़ के कितना छः है उसके बाद एक अंक फिर छोड़ के कितना है क्वेश्चन मार्क है उसके बाद फिर एक ऊपर से हम लेते हैं देखिए पंद्रह के बाद एक अंक हम छोड़ देंगे कितना है बारह है बारह के बाद फिर हम एक अंक छोड़ेंगे कितना हो गया सात हो गया और सात के बाद फिर एक, एक अंक एक अंक छोड़ेंगे क्या क्वेश्चन मार्क छोड़ के इसमें आ गया तो लास्ट वाला ऊपर से लास्ट वाला मतलब अंक फाइंड होगा और क्या नीचे से बीच वाला फाइंड होगा तो कैसे करेंगे अब यहाँ देखना अंतर देखिए दो में कितना जोड़ दिया दो चार आया यहाँ दो जोड़ा है ना चार आ गया चार में अब कितना जोड़ दिया जो छः आया यहाँ पे भी दो जोड़ा ना तो हम यहाँ पे क्या जोड़ें जो फिर इसका आया दीदी देखिए दो दो जोड़ रहे हैं इसमें भी दो जोड़ दिया इसमें भी जोड़ दिया था अगला हम कितना जोड़ेंगे दो जोड़ेंगे ना छः में दो जोड़ा कितना आठ आया चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आठ हो जाएगा पहले में क्या होगा आठ होगा गया यहाँ लिखते हैं ऊपर में आप देखते हैं कितना का अंतर है देखिए पंद्रह में क्या माइनस कर दिया जो बारह आया कितना माइनस किया तीन माइनस क्या ना नीन माइनस क्या तभी तो बारह आया बारह में फिर देखिए कितना माइनस कर दिया जो सात आ गया पाँच माइनस किया तभी तो सात आया और देखिए यहाँ के अंतर देखिए कितना अंतर है दो अंतर आ रहा है ना और माइनस हो रहा है नीचे वाला प्लस हो रहा था ऊपर वाला क्या हो रहा है माइनस हो रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ सात आ गया ना अब सात में फिर देखिए तीन के बाद कितना दो दो जोड़ दिया पाँच आए पाँच के बाद कितना सात हम जोड़ेंगे तो सात में कितना माइनस करेंगे सात में सात माइनस करेंगे ना यदि सात में सात माइनस कर दिए क्या इसका आंसर आएगा जीरो आएगा देखिए यहां साथ में यदि सात हम माइनस कर दिए कितना आएगा जीरो आएगा तो आप देखिए कि आठ और जीरो कौन सी ऑप्शन में ए मुझे पता करना है आठ जीरो देखिए ए में आठ आठ है बी में कितना है आठ और जीरो है तो बी ऑप्शन आपका सही होगा मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा यदि आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस